नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे। इन चार व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित और चौथा एक आम आदमी जो कि पृथ्वी पर मजदूरी का काम किया करता था वो था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही ये आदत थी कि अपनी बात सबसे पहले और सबसे ऊपर कही जाए, तो राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूं, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए स्वर्ग का असली हकदार मैं ही हूं। अब बारी थी पंडित जी की। पंडित जी ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आप बताइए, आपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि आपको अंदर जाने का अधिकार है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे, मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी, यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, हाँ तुम सच कह रहे हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी और उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म कौन कौन से हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक को ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरियां की हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया, आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया,
इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है, आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। मजदूर यह सब देखकर हैरान था कि अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को बहुत अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं है। यमदूत ने फिर इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर स्वयं ही बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बस एक बार स्वर्ग को बाहर से झांक कर देखना चाहता हूँ। इतनी ही मेरी इच्छा है, क्योंकि इससे अधिक इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में ही खर्च कर देता था। दान धर्म के लिए तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। लोगों का भला और सेवा मैं क्या ही करता, क्योंकि काम के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मुझे मिलता था उसको मैं अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी तूने मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक को बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखता ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, अच्छा ठीक से याद करो और बताओ क्या तुमने कभी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मजदूर ने थोड़ी देर और सोचा और वह बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया, एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाने के लिए बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर सा कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आया और मेरे खाने को बड़ी हसरत से देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा ही सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म, लोभ, मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक अच्छा काम भी आपके पूरे जीवन के पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।